आज सांसद एक साथ है, लोकसभा से लोकसभा सचिवालय से पार्टी को मान्यता दिया गया और संसदीय दल का नेता मुझको घोषित किया गया। कल नेशनल कमेटी की बैठक हुई, सर्वसम्मति से जो प्रेजेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया गया। हमारे संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, नेशनल स्कूटी के सामान्य है। कल प्रधान सिंह जी के घर पर कंकड़बाग में चुनाव होगा, उसमें जो दो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे उनको सम्मान होगा। पार्टी में कोई विवाद नहीं है, पार्टी एक दिन है और एक दिन रहेगा। पार्लियामेंट्री वोट नहीं तय करेगा, जब लोकसभा का सचिवालय तय कर दिया था। पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है जी? क्या पार्लियामेंट्री वोट क्या होता है? नहीं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष है ही नहीं तो कौन करेगा? राष्ट्रीय सुन लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है संविधान में स्पष्ट है, एक व्यक्ति एक पद। श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी थे और सदन के नेता भी थे। इसीलिए कल हम लोगों ने तय किया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए और लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता पारित हो गए। संविधान आपको इजाजत नहीं देता, पार्टी का संविधान संविधान ही इजाजत देता है। आपको जानकारी नहीं है, आप लोजपा का संविधान पढ़ के देखिए। आर्टिकल 19 में क्लॉज 5 का जिक्र किया उन्होंने, उसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री वोट राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा। जब पार्टी में विवाद हुआ तो बहुमत जिसके पक्ष में होगा उसका कब्जा होगा। क्या होगा चिराग पासवान का फिर? ए बच्चा, अभी चिराग पासवान से पूछिएगा, हमसे पूछिएगा जी। एनडीए के समय की उनका पति की जब अलग है, उनका कहना है कि समय हम पार्टी भी बचावेंगे और परिवार भी बचावेंगे। चिराग का कल भी पति था, आज भी है, कल भी रहेगा।